भाजपा का एक दिवसीय वर्ग प्रशिक्षण संपन्न। जिला अध्यक्ष राजू बाथम प्रीतम सिंह लोधी रहे मौजूद। बूथ लेवल के कार्यकर्ता, जिला पदाधिकारी और मंडल अध्यक्ष रहे मौजूद। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के आह्वान के साथ भाजपा का एक दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग संपन्न हुआ। खनिया थाना के जेके गार्डन में आयोजित प्रशिक्षण वर्ग के मुख्य वक्ता जिला अध्यक्ष राजू बाथम प्रीतम सिंह लोधी ने पार्टी के इतिहास और कोरोना काल में जो भी असुविधाएं आई और आने वाली कोरोना को तीसरी लहर को देखते हुए विस्तार से प्रकाश डाला। दूसरे सत्र में डॉक्टर ऋतु चौधरी ने भी कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए बूथ लेवल कार्यकर्ता को समझाया, कोरोना से लड़ने के लिए सजग रहने को कहा। कहा कि भाजपा राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है। भाजपा ने हमेशा राष्ट्रवाद और विकास को प्राथमिकता दी है। उसी का परिणाम है कि आज आप देख रहे हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जिस उद्देश्य से भाजपा की स्थापना की थी, आज उस पार्टी उसी सिद्धांत पर काम कर रही है। इसकी देन है कि आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद और अंत्योदय के सिद्धांत पर चलकर एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना पूरा कर रही है। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के नारे को और आगे ले जाने की जरूरत है। पार्टी की राजनीतिक यात्रा निर्बाध रूप से चलती रहे, इसके लिए हम सबको एकजुट होकर ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करने की जरूरत है। कोरोना की तीसरी लहर में लड़ने की जरूरत है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की अपील की है। इसके पूर्व प्रशिक्षण वर्ग की शुरुआत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से प्रारंभ की गई। इस अवसर पर मंचासीन अतिथियों का पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष सत्यप्रकाश भरदेरिया, जितेंद्र पुरोहित, कुलदीप सिंह चौहान, श्री हर्ष त्रिपाठी, मयंक सिंघई, बूथ लेवल के कार्यकर्ता महिलाएं मौजूद थे। तो भूत के भीतर रहने वाले सभी जी के व्यक्तियों को क्या है, क्वारंटाइन होने कोई पूरी का पेमेंट मारने नहीं गया कोरोना के समय। प्रदेश नेतृत्व ने यह देखा कि कोरोना के समय में कई भूत पे हमारे रोते थे,